हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश सोनी राम पीतमपुर और आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। और आज फोर्थ डे है सोशल मीडिया ट्रेनिंग का, जहाँ पे कि हम सीखेंगे ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कैसे करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में इसका क्या लाभ उठाया जा सकता है, डायरेक्ट सेलिंग में इससे क्या क्या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे अपनी प्रोफाइल को सेटअप कैसे करें। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो मैंने नोट्स किए हैं, तो आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और वही वर्क अपनी प्रोफाइल पर करेंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट आएगा और 21 दिन के अंदर आप एक सोशल मीडिया मास्टरी हासिल कर लेंगे। ये मेरी 100% आपसे गारंटी है। लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो लास्ट तक बात जरूर करिएगा और अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। तो चलिए शुरू कर, जो पोस्ट डालें उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर सोशल मीडिया पे आप एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो जो भी पोस्ट आप डालें उसको टाइम एकदम फिक्स होना चाहिए। अगर आप 10 बजे डाल रहे हैं तो 10 बजे डालिए, अगर आप 3 बजे डाल रहे हैं तो 3 बजे डालिए। जो भी टाइम है कंटिन्यू आप उसे रेगुलरली करते रहिए, तो ये बहुत बढ़िया है। और अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल सेटअप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी आए तो वो टिका रहे, वहाँ से बाहर ना जाए, तो उसके लिए आपको बहुत बढ़िया वर्क करना पड़ेगा। वहाँ पे एकदम सही तरीके से वर्क करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊँगी कि सही तरीके से वर्क कैसे किया जा सकता है। आपकी प्रोफाइल ऐसी होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार आपकी प्रोफाइल में आ जाए तो बाहर जाने की इच्छा ना हो उसकी, स्क्रॉल करता जाए, देखता चला जाए, बिल्कुल आप छा जाए उसके माइंड पे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, आपका पहला इम्प्रेशन ऐसा होना चाहिए बिल्कुल ज़बरदस्त, क्योंकि बोला जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो इस तरह से हमें अपनी प्रोफाइल मेंटेन रखना है। आपकी प्रोफाइल पहला इम्प्रेशन है लोगों के लिए। आपकी प्रोफाइल पे आते ही लोग कई तरह की धारणाएं, एक मिनट प्रोफाइल देखने के बाद 50,000 धारणाएं बना लेते हैं, 500 तरह की धारणाएं बना लेते हैं आपकी प्रोफाइल देखने ही। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी पब्लिक इमेज है, आपकी रेपुटेशन है, लोग यहाँ आपसे अट्रैक्ट होना चाहिए। लोग अगर एक बार आपकी प्रोफाइल में आ जाए तो बाहर नहीं जाना चाहिए। आपकी प्रोफाइल देखते ही लोग कई तरह की धारणाएं बना लेते हैं, 50 तरीके की धारणाएं आपकी प्रोफाइल में एक मिनट में आते ही लोगों के मन में आने लगती हैं। तो इसलिए अपनी प्रोफाइल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। लोग सोशल मीडिया पर बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, लोग कई चीज़ें एक साथ खोल के रखते हैं, फेसबुक पे भी वर्क कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी वर्क कर रहे होते हैं या कहीं और भी वर्क कर रहे होते हैं, तो इतना ध्यान नहीं देते। आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी की नज़र पड़े तो स्क्रॉल करने के लिए, क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे आप अपनी प्रोफाइल कैसे मेंटेन रखेंगे, चलिए इसके लिए एक एक करके हम कुछ सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके प्रोफाइल में आपकी फ़ोटो होना चाहिए और वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे आपकी फ़ोटो होना चाहिए, आपकी पिक्चर होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि लोग आपको देखें, आपको लाइक करें और आप पे विश्वास करें। आपकी प्रोफाइल पिक्चर हर प्लेटफॉर्म पे सेम होना चाहिए। दूसरी बात, कवर फोटो, आपके बारे में जानकारी होना चाहिए, हु आर यू, आप कौन है और आप क्या करते हैं, ये चीज़ें आप कवर फोटो में लिख के डाल सकते हैं या कोई ऐसी अट्रैक्टिव पिक्चर भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप ध्यान रखिए कि एक बार प्रोफाइल पिक्चर अगर आप लगा देते हैं तो बार बार चेंज नहीं करना है, लेकिन कवर फोटो को आप रोज़ चेंज कर सकते हैं। फिर आता है यूजर नेम, तीसरे नंबर पर यूजर नेम आपको उस पर रखना है, और ऐसा यूजर नेम रखना है कि 5 साल बाद भी आप उसे सुने तो आपको अटपटा ना लगे कि मैंने ये क्या रख दिया। यूजर नेम ऐसा होना चाहिए कि नाम लेते ही लोग आपसे कनेक्ट हो सके, कि आपका नाम आते ही, जैसे कि मेरा मैंने रखा है कमलेश उर्फ नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस, तो नाम आते ही लोगों को ध्यान आ जाना चाहिए कि हम क्या करते हैं। तो ऐसा यूजर नेम होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत उस पर बहुत सजाने धजाने पे काम नहीं करना है, सिंपल रहना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक टैग भी करना है कि आप क्या काम करते हैं, आपके नाम आपका यूजर नाम आते ही लोग उससे कनेक्ट करना चाहिए, तो ऐसा टैग भी आपको वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीच या तो मोटिवेशनल कोच और हेल्थ कोच, लाइफ एक्सपीरियंस कोच,
लाइफ कोच, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वहां पे आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप यूजर नेम और स्क्रीन नेम फिल करें। चौथी चीज है टैगलाइन हेडलाइन। टैगलाइन मेन होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आपका टैग भी उसी तरह से होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, लाइफ स्टाइल कोच, मोटिवेशनल कोच, पब्लिक स्पीकर, आप क्या है वो आपके टैग से समझ में आना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे ब्रांड बनाने का बहुत अच्छा टिप्स मैं दे रही हूँ, जिसे आप पूरा फॉलो करेंगे तो आपका सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया ब्रांड क्रिएट होगा। और 21 दिन कंटिन्यू अगर आप डे बाई डे मेरे वीडियो को देखते रहे तो जरूर हो। पांचवी चीज है आपका बायो। आपके बायो में आपको बताना है हु आर यू, आप कौन है और आपको लोग क्यों फॉलो करें। आपको वहाँ पे ये नहीं बताना है आपका एजुकेशन क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके वाइफ क्या करती है, ये सारी जानकारी वहाँ लोग देखने नहीं आते। वहाँ आपको बताना है लोग आपको क्यों फॉलो करें। आप जैसे सोचिए कि अगर आपको किसी को फॉलो करना हो तो आपकी तरह ही वो लोग होने चाहिए, आपके गोल मिलने चाहिए, आपके उनसे विचार मिलने चाहिए, जो वर्क आप कर रहे हो उस तरह से उन्हें भी वर्क करने की हैबिट्स रहती है, तो लोग आपको फॉलो करते हैं और आप भी उन्हीं लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो आपकी तरह हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटी में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे लोगों को आगे चल के आपसे बेनिफिट हो सकता है या आपको उनसे फ़ायदा हो सकता है, तो ऐसे लोग हमें फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आपको अपने बायो में कंपनी का नाम नहीं डालना है, क्योंकि आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी है, कितना भी अच्छा उसका ब्रांड है, लेकिन वहाँ पे आपके पास लोग आपको देखने आते हैं। आपका ब्रांड बनना चाहिए, आपकी कंपनी का नहीं। इसलिए आप कभी भी कंपनी का नाम अपने बायो में या प्रोफाइल में बिल्कुल भी मत डालिएगा जब तक आपका ब्रांड क्रिएट नहीं हो जाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो सीनियर है वो अगर अपने कंपनी का नाम या प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइक आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स आ जाते हैं, तो आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप उनकी बराबरी अभी मत कीजिए। आपको यहाँ लोगों की ज़रूरत है, उनके पास ऑलरेडी उनका स्ट्रगल इतना लंबा रहा है कि उनके पास लोगों की कमी नहीं है, और उनकी टीम से ही लाखों लोग होते हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, और वहाँ पे आपको दिखता है कि उनकी बहुत बड़ी टीम है, तो उसके लिए उन्होंने कई साल लगाए हैं, मेहनत किए। तो जब आप उनके स्टेज में आ जाए, उस जगह पे आ जाए, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। अभी आपको अपना ब्रांड क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो इस तरह से आप वहाँ पे वर्क करेंगे, बायो में अपनी कंपनी का नाम नहीं डालेंगे। आपकी प्रोफाइल पे लोग कम्युनिकेशन करने आते हैं, कनेक्शन बनाने आते हैं, कन्वर्सेशन करने के लिए आते हैं, ना कि बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए आपको वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की बातें नहीं करना है, बिजनेस की बातें नहीं करना है, अपनी कंपनी की बातें नहीं करना है। एक सोशल मीडिया अकाउंट पे आपके सारे अकाउंट के लिंक डालने हैं, जैसे कि अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिंक डालने हैं। अगर आप यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हैं उसके लिंक आपको वहाँ डालना है, क्योंकि लोग आपको रिलेट कर पाए कि आप और भी क्या वर्क कर रहे हैं। और हर जगह एक ही तरह की प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, उसके साथ ही आपको बहुत अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अपनी प्रोफाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें आपने क्या सीखा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर इस बारे में आपको और जानकारी चाहिए या और क्या इस रिलेटिव आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में। धन्यवाद।